मैं रमेश ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामने निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो सूबे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक रमेश मीणा ने भी शपथ यहां पर ली है। पूर्वी राजस्थान में बड़े दलित चेहरों में से इनका चेहरा सबसे पहले सामने आता है। पायलट गुट के बेहद करीबी ये माने जाते हैं और याद ही होगा आपको अगर राजस्थान की सियासत के बारे में जानकारी रखते हैं तो अभी ही हाईकमान के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी इन्होंने खोला था और एक बार फिर से अब देखिए किस तरह से कैबिनेट का एक हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सचिन पायलट के समर्थक यहां पर माने जाते हैं। मीणा ने पहले भी हमला बोलते हुए कई बार कई मुद्दों पर अपनी आवाज जो है वो बेबाकी से उठाई है और अब गहलोत कैबिनेट का एक अहम हिस्सा बनते हुए इस वक्त आप उन्हें मंच से देख रहे हैं। शपथ ग्रहण उन्होंने यहां पर ले लिया है। 15 मंत्री आज शपथ ग्रहण ले रहे हैं जिनमें से 5 सचिन पायलट गुट के बताए जा रहे हैं और उनमें से एक महेश मीणा भी है। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो गहलोत कैबिनेट के 15 चेहरों में से एक चेहरा ममता भूपेश भी हैं और साथ ही प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री उन्हें यहां पर बनाया गया है। महिला से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव हमेशा से नजर आती रही हैं, उन मुद्दों को उठाती रही हैं और गहलोत गुट की समर्थक मानी जाती रही हैं। ममता भूपेश ने भी आखिरकार यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया है और दलित समुदाय पर एक मजबूत पकड़ के तौर पर उन्होंने अपनी ये छवि बनाई है, आगे बढ़ती रही हैं। साथ ही साथ राजनीतिक करियर के तौर पर अब कैबिनेट मंत्री बनाया जाना उनके लिए अपने आप में सफर को और आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। दौसा की सिकराय से इस वक्त वो विधायक हैं और अशोक गहलोत गुट की मानी जाती है। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या
व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भरतपुर की वैर सीट से विधायक हैं भजनलाल जाटव, जिन्होंने शपथ यहां पर ली है। 15 चेहरों में से एक चेहरा भजनलाल जाटव भी यहां पर रहे। राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री बनने का ये सफर उनका यहां पर सामने आया है। भजनलाल जाटव फिलहाल वैर सीट से विधायक हैं, पायलट से गहलोत गुट में यहां पर आए हैं, गए हैं। कहा जा सकता है कि गहलोत मंत्रिमंडल में जिस तरह से चेहरों का चुनाव किया गया है तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्षेत्रीय जातीय जो समीकरण है वो साधने में पूरी तरह से दिखाई देता है। मैं टीकाराम जूली इस वर्ष की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।